अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अंजुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड ब्लॉग विद अंजुम। आज मैं यहाँ पे पंजाबी स्टाइल राजमा चावल बनाना सिखाऊंगी। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एकदम परफेक्ट टेक्सचर, बहुत ही अमेजिंग राजमा बनती है इस रेसिपी से। आप सब रेस्टोरेंट स्टाइल वाली राजमा घर में ही बना सकते हैं। ये राजमा की रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। राजमा करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप रात भर भिगो के राजमा ली हूँ, कुकर में डालूंगी। अब इस राजमा को मैंने रात भर भिगो के रखा था। अगर आप जल्दबाजी में है तो गर्म पानी में 2 4 से 5 घंटे भिगो के रख सकते हैं। अब हमें खड़े मसाले डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। यहाँ पे मैं 1 तेज पत्ता डाली हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, इसको अच्छे से कूट कर डालेंगे। 1 इंच के उतना पानी डालेंगे यहाँ पे। अब 1 टेबल स्पून नमक डालकर इसको हमें 6 से 7 विजिल के लिए रख देंगे। राजमा जितना पुराना होता है ना, उतना पकने में समय लगता है। यहाँ पे 7 विजिल्स हो चुके हैं, अब निकालेंगे इसको। देखिए राजमा को अच्छे से चेक कर लेंगे स्मैश करके। यहाँ राजमा अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें से खड़े मसाले निकाल देंगे। अब चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे 3 मीडियम साइज प्याज ली हूँ, 1 स्लाइसेस में अच्छे से कट कर चुकी हूँ मैं। देखिए यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको सारे प्लेट में निकाल दूंगी। सारे प्याज ठंडे होने के बाद इसको अच्छे से पेस्ट कर लूंगी मैं। देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट कर ले चुकी हूँ मैं। देखिए ब्राउन ऑनियन पेस्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस में। एक पैन लीजिए और 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डालिए। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा डालिए। अब इसमें अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। अब अच्छे से भून ले हूँ। अब इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और अच्छे से स्टिर करूँगी। चार बड़े साइज के टोमेटो पूरी ऐड करेंगे। अब 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी, टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब देखिए तेल मसाले से अलग हो चुका है। अब इसमें थोड़ा गरम पानी डाल के अच्छे से पकाएंगे। गरम पानी डालने से इसका टेस्ट कभी नहीं बदलेगा। देखिए मसाला अच्छे से पक रहा है। अब इसमें ब्राउन ऑनियन पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करिए। देखिए यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। अब जो हमने राजमा को पकाया हुआ था, इसको हम इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे फ्लेम हाई करके अच्छे से पकाइए। इसमें एक उबाल आ रहा है, अब इसको ढककर अच्छे से 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। इसमें सारे मसाले राजमा के साथ अच्छे से मिल जाते हैं, इसलिए अब 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब राजमा को चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ राजमा पतला सा लग रहा है, इसलिए थोड़े से राजमा को स्मैश कर लेंगे। ऐसा करने से राजमा का फ्लेवर और भी ज्यादा उभर कर आएगा और राजमा करी को अच्छे से गाढ़ापन मिलेगा।
अब यहाँ पे एक चुटकी कसूरी मेथी क्रश करके डालिए, हाफ मुट्ठी भर के कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अब अच्छे से मिलाएंगे सब कुछ। अब यहाँ पे फिर से गरम मसाला डाल के अच्छे से ढककर 5 मिनट्स के लिए पकाएगा। अब राजमा को सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। चलिए मेरे बेटे को टेस्ट कराएंगे अब। ये बोल रहा है कि सुपर है, बोल के ये सबसे बेस्ट राजमा बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको इस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने का ना भूलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू।